तो बड़ा दुख हुआ है गाइस, मम्मी का रिएक्शन लेते हैं क्या होता है। कैसे? मेरी हालत नहीं दिख रही आपको, किसी हो गए उसको संभालने में। अरे यार एक छपरी था यार उस। हाँ तो हमारा वापस से मिलन हो गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे 5:30 और मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है। सुबह से हमको एक टास्क मिल चुका है सब्जी काटने का, तो अब हम ये सब्जी काटेंगे। गाइस, मम्मी का रिएक्शन लेते हैं क्या होता है। हाँ मम्मी, आई अब बताऊँ क्या हुआ। हाँ। स्विमिंग पूल फूट गया। कैसे? मैं नीचे बैठा था, एकदम भड़ा भड़ा आवाज आई मेरे को, तो मैंने कि यार देखूं जाके, गया जाके तो वो सारा कर लिया, तो मैंने उसको दबाने बहुत कोशिश करी। हाँ। पलंग को। पर वो तो जो निकला फरर फरर करते हुए, सब निकल गया पानी उसमें, थोड़ा बहुत बच गया, गमला फूट गया एक। क्योंकि फूटा हो तो वो तो जैसे तैसे मैंने करा उसको। ये जो आप बाहर देख रहे थे ना साफ सफाई, वो दिख रहे हो क्या? सफाई क्यों दिख रही है? हाँ, इधर से भी आ गया, उधर से भी, फिर भी मैंने थोड़ा बचा लिया उसमें, तो ऐसा रहा आज का। निकालना था पर गलत हुआ ना, गमला तो नहीं फूटा, गमला फूट गया, पौधा तो खराब नहीं हुआ, नहीं हुआ, गमला तो कमजोर ही था। वो तो पथेली में एक हल्का सा चीरा आया। मेरी हालत नहीं दिख रही आपको, किसी हो गए उसको संभालने में। तो आज मम्मी का दूसरा तीसरा दिन है डाइट का, और मम्मी कैसा लग रहा है, उतर रहा है कि नहीं उतर रहा सलाद? कैसे खाऊंगी बेटा, इतने सारे ककड़े खानी पड़ेगी। तो खाने नहीं, ये खा लूंगी तो मेरे से तो एक रोटी भी नहीं खिलेगी। वही तो हम चाहते हैं, मतलब हम अच्छा ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है। दो ककड़ी खा लूंगी तो मेरा पेट इसी से भर जाएगा। तो अच्छा है ना। नमक भी खाना जरूरी है मेरे को थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, सब सब हो जाएगा, सब रहता है नमक। हम आए कुछ सामान खरीदने बाजार में, तो मिल ही नहीं रहा है एक भी। चलो यहाँ देखते हैं मिलता है। चलो अरे यार एक छपरी था यार, उसकी सही में जैकेट लेनी थी यार। एक छपरी था, छपरी उसने ऐसी पूरी जैकेट पहन रखी थी, उसमें बिल्कुल पीछे पीछे की तरफ वो था। अरे ये देखो कुछ नया खुला है, कैफे। कुछ नहीं, एक आध महीने चलेगा फिर लोग नहीं आएंगे, फिर कोई सा नया खुल जाएगा, फिर वहाँ चल जाएंगे सब। अभी वहाँ सब क्रेविंग्स पे जा रहे हैं, अब यहाँ आ जाएगी वहाँ की जनता। तो गाइस हम आए थे आज शूज़ लेने, पर शूज़ हाई एंकल वाले थे, बहुत सिंपल डिज़ाइन थी वो, पूरे कहीं भी नहीं मिले पूरी सहायकपुर में। तो बड़ा दुख हुआ है, बड़े दिनों बाद निकला था कुछ मैं खरीदने, तो हम एक छोटी सी चीज़ खरीदने गए थे स्किपिंग रोम, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, मतलब जो एक्सपर्ट लोग बता सकते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट आदित्य शर्मा जी बताएंगे आपको। तो कोई एक्सपर्ट वगैरह तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं थोड़ा करता था स्किपिंग रोप, तो मुझे आइडिया है कि अब जैसे एक महंगी वाली आ रही थी तो उसमें ये जो हाथ में पकड़ने का रहता है ये थोड़ा पतला था और वो थोड़ा हल्का भी था, तो उससे क्या करते हैं तो मोमेंटम नहीं बनता है, तो मतलब मज़ा नहीं आता है, मज़ा भारी के साथ ही आता है, इसलिए मैंने ये वाली दिलवाई। तो अगर आप भी कोई रही भले छोटी सी चीज़ हो पर इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, तो हमेशा से ज्ञान ले लो मतलब एक्सपर्ट से, या साथ में ले जाओ, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकती बात। तो हम आए तो साथ में थे, पर अब बिट्टू निकल रहा है, इसको कुछ काम है और मुझे भी मेरा काम है, तो मैं निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तो कैसे? चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। तो भैया बिट्टू जा रहा है अपने काम से। Two hours later. हाँ तो हमारा वापस से मिलन हो गया है, और हम वापस मिल चुके हैं एक जगह, उन्होंने काम निपटा लिए, फिर सेम टाइम पे फ्री हो गए, सब साथ में वापस जा रहे हैं, और बहुत देर हो गई है, 9:30 बज गई है, मुझे भी कल बाहर निकलना है, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, आने वाला है, इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है नैन भैया को।
मुझे बने रहिए, मजा आएगा। चलो घर से ही घर चलते हैं, अंधेरा भी हो गया है, दांत चमक रहे हैं। तो भाई तब हम घर आ चुके हैं, तो बस अब घर जाते हैं क्योंकि पूरा टाइम तो बनाते नहीं है वीडियो, जाते हैं। हाँ गाइस, तो मैं घर आ गया हूँ और अब मुझको करनी है पैकिंग क्योंकि कल मैं बाहर जा रहा हूँ और ये वीडियो भी एडिट करना है और 12 बज चुके हैं पहले ही। तो ये वीडियो यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अगले व्लॉग में, और आप अगले व्लॉग में देखिए कि मैं कहाँ जाता हूँ, किस काम के लिए जा रहा हूँ, मज़ा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। उसमें अच्छा लग रहा है। आप ही क्या बोले? अभी कहीं मत बोलो यार। तो फिर यहाँ क्यों आए? आप ही बोल रहे थे शूट करने। ऐसा क्या?